अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नियाज अहमद। मैं तबस्सुम आरा फ्रॉम जीटीसीएस पटना 2021 बैच सेकंड प्रॉफ। आज हम लोग कुछ कदीम यूनानी फिलोसोफर के अक़वाल पेश करने जा रहे हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बुकरात का कौल पेश कर रहे हैं। बुकरात ने तबीयत का नाम दिया है और कहा है कि दरअसल तबीयत ही जिस्म की असल मुहाफिज और मौलिज है, तबीब तो सिर्फ खादिम तबीयत है। दूसरा कौल, दरिंदों की तरह खाना मर्ज का सबब है और परिंदों की तरह खाना सेहत का सबब। तीसरा कौल, बगैर जरूरत दवा कभी ना इस्तेमाल करो। मर्ज का इलाज आसपास पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से ही करना चाहिए। पांचवा अकवाल, इतना ना खाओ कि गिजा तुमको खा जाए। छठा अकवाल, जिंदा रहने के लिए खाओ ना कि खाने के लिए जिंदा रहो। सातवा कौल, तंदुरुस्ती की कदर करो कब्ल इसके के यह हो जाए। यूनानी के दूसरे फिलोसोफर अस्कलिबियस का अकवाल पेश करने जा रहे हैं। इनका कहना है, अपने मौजूदा ज़माने की बुराई करने वाले लोग उसके गुजरने के बाद माजी की तारीफ़ करते हैं और मुस्तकबिल का रोना रोते हैं। अस्कलिबियस का ये भी कहना है, बेइल्म अनपढ़ की मिसाल कोल्हू के बैल की सी है जो दिन भर एक ही दायरे का चक्कर लगाता रहता है और उसका कोई मंजिल नहीं होता। इसी तरह अस्कलिबियस का ये भी कहना है, मशहूर है कि किसी शख्स ने अस्कलिबियस से सवाल किया कि दुनिया क्या है। उसने जवाब में कहा, गुजरा हुआ कल फुर्सत का दिन था, आज काम करने का दिन है और आने वाला दिन उम्मीद और आरजुओं के लिए होता है। अब इसी तरह तीसरे फिलोसोफर हारिस इब्न कल्दा के अकवाल पेश कर रहे हैं, जिनका कहना है, मेवे जात यानी कि ड्राई फ्रूट्स भरी फसल में खूब खाओ, आखिर में परहेज करो। दूसरा कौल, परहेज हर चीज में एतदाल का पाबंद रहना है। तीसरा कौल, फसद यानी कि वेनेसेक्शन ऐसे वक्त की जाए जब तबीयत में सुकून हो और मौसम मुतदिल हो। चौथा कौल, जब तक सेहत हो इलाज से परहेज किया जाए, अगर मर्ज लाहक हो जाए तो पेचीदगी से कबल ही दवा का इस्तेमाल बेहतर है। कौल, सख्त तरीन बीमारी भरे पेट पर खाना खाना है। छठा कौल, पुरशिकम हालत में हमाम में नहीं जाना चाहिए। आठवां कौल, तुखमा अगर पेट में रह जाए तो जान ले ले और तहलील हो जाए तो जिस्म को बीमार बना दे। इसके बाद एक और फिलोसोफर जालिनुस का अकवाल पेश कर रहे हैं। वह बीमार के जिसको भूख लगे, बेहतर है बमुकाबले उस तंदुरुस्त के जिसको भूख न लगे। दूसरा कौल, इंसान अपने नफ्स को पहचान कर अपनी असलाह कर सकता है। तीसरा कौल, खुद को दूसरों से ज्यादा अकलमंद समझने वाले शख्स खुद अहमक होते हैं। अब आखिर में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकवाल पेश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जिस्म की हिफाजत से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्मों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारा बातिन पाक रखेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ों पर तरजीह दी। नंबर 1 खतना, नंबर 2 लबे कटवाना, नंबर 3 बगलों के बाल मुड़वाना, नंबर 4 ज़ेर नाफ के बाल मुड़वाना, नंबर 5 दाढ़ी बढ़ाना, नंबर 6 नाखून कटवाना, नंबर 7 नाक में पानी डालना, नंबर 8 मिसवाक करना, नंबर 9 उंगलियों का खलाल करना, नंबर 10 इस्तिंजा करना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अपना मुंह साफ रखा करो, पानी या किसी मशरूब को पीते वक्त सांस को बर्तन के अंदर न छोड़ो, पीने के दौरान 3 मर्तबा बर्तन से मुंह हटा
हटाकर सांस लें। आपने खाने पीने की चीज़ों को फूंक मारकर ठंडा करने से मना किया, जो कि आज के साइंस भी तस्लीम कर रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया, खाने से पहले हाथ धो लो मगर कपड़े से मत पोंछो, खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह तजावुज़ वालों को पसंद नहीं करता। इंसान को कमर सीधी रखने के लिए चंद लुकमे काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से भी मना फरमाया है। खाना इतना खाओ कि मैदा में एक तिहाई जगह सांस लेने के लिए बाकी रहे। आपने लिबास को साफ रखने की ताकीद फरमाई। बर्तनों में पीने का पानी हो उन्हें ढाँप कर रखो। इस्तमा के दौरान जब तुम में से किसी को जमाई आए तो मुंह पर हाथ रख लिया करो। अपने घरों को साफ रखो और यहूदियों के से न हो जाओ। अपने रास्तों को चौड़ाई अपने रास्तों की चौड़ाई कम अज़ कम 7 हाथ रखो। 3 जगह बौलो बराज न करो, पानी के घाट पर, साये में और गुजरगाहों पर। जब किसी इलाके में ताउन की वबा की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और किसी जुजामी यानी कोढ़ी से बात करो तो उससे 1 या 2 तीर का फासला रखो। हर मर्ज के लिए दवा है और दवा में शिफा है। जिस्मानी सेहत के अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात है, नफसानी और समाजी सेहत का बखूबी अहाता करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज की इबादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो वो जन्नत के हलके में दाखिल हो जाता है। आपने ये भी ताकीद की, जब तुम मरीज की इयादत की गर्ज से उसके पास जाओ तो उसकी असल को मोहलत दो, यानी सेहत और उम्मीद की बातें करो। अब ये सब आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कुछ यूनानी कदीम अतिबा फिलासफर के चंद अकवाल और पेश करते हैं। ये अकवाल अरस्तु का है। अरस्तु का कहना है, कोई भी शख्सियत उस वक्त तक अजीम नहीं बनती जब तक के उसमें पागलपन का खमीर न हो। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में अकल के ताबे रखना चाहिए। जिस बात का इल्म तुमको नहीं हो उसके इजहार में शर्म महसूस ना करो, बल्कि पूछ कर अपने इल्म में इजाफा करो। अगर मजदूर ना होते तो सरमायादार कभी जन्म ना ले सकते, यह सिर्फ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मैं उस वक्त तक नहीं सोचता जब तक मेरे पेट में खाना होता है। हर बदसूरत चीज़ को अंधेरे में छोड़ना अक्लमंद आदमी की निशानदेही है। आइए इसी तरह अब अगले फिलासफर इब्न सीना का अकवाल पेश कर रहे हैं। इनका कहना है, मज़ेदार ग़िज़ा उम्दा और अच्छी है, यह भूख को बढ़ाती है और बदमज़ा ग़िज़ा को देर में तबीयत कबूल करती है और ये भूख को भी घटा देती है। तुर्श ग़िज़ा इंसान को जल्द बूढ़ा और बदन को दुबला करती है और साथ यह पुट्ठों के लिए भी मुज़िर है। बगैर भूख के ग़िज़ा ना खाएं और जब भूख तेज़ हो जाए तो भूख ना रहे। बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी है और दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी दिल आज़ादी है।
شیری غذا بدن کو خشک اور دبلا کرتی ہے، روزانہ اتنا اتنا کھاؤ جتنا تم ہضم کر سکتے ہو۔